बड़ी अच्छी जर्नी है, खूबसूरत जर्नी है और मज़ा आया आ रहा है। बस सिंसेरिटी और ईमानदारी से मैं अपना काम करते जा रहा हूँ और करता हूँ, पहले भी आगे भी करूँगा। बस पहला सा कौन सा प्रोजेक्ट? मुझे लगता है मैं हीरो नहीं बना हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ इन सवालों से। मैं हीरो हीरो नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ, अभिनेता ही बना रहना चाहता हूँ। हाँ, चर्चित हो गया हूँ, लोग पसंद करते हैं, वो दूसरी बात है। आई थिंक वसेपुर से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा था गैंग्स ऑफ वसेपुर। ऑडिशन दिया था मैंने, काफ़ी लंबा ऑडिशन दिया था उसका, मुकेश छाबड़ा ने लिया था और वो ऑडिशन अनुराग देखे और उसके बाद मिली मुझे फिल्म और बहुत पसंद की गई। इंडस्ट्री के लोगों ने भी जाना और पब्लिक ने भी जाना उस फिल्म के बाद मुझे। एक नया मीडियम है जो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, क्योंकि सहूलियत है, आप घर बैठे कंटेंट प्रोग्राम देख सकते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, यात्रा में देख सकते हैं। इंटरनेट अब हमारे पूरे देश में हर जगह 4G है मोरोलेस, तो काफ़ी पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग मीडियम बनने जा रहा है ये, अच्छा है। उस मीडियम में काम करता हूँ मैं, उस मीडियम में काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, पसंद करते हैं, तो अच्छा है ये। किसान होता या कुक होता, आप बनना चाहते थे आर्टिस्ट या फिर कैसे यहाँ तक मुंबई तक पहुँचे? डेस्टिनी है, मुझे भी पता नहीं था, भाग्य में लिखा था कलाकार बनना, तो मैं बस ट्रेन में बैठ गया, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूं वहां पे पैदा होकर कलाकार बनने के बारे में सोचना भी मुश्किल काम है। बट डेस्टिनी है, हर आदमी की ज़िंदगी में एक जगह आता है उसको लगता है कि ये बाएं वाली ट्रेन पकड़ूं कि दाएं वाली ट्रेन पकड़ूं, और उस वक्त उस व्यक्ति ने जो ट्रेन पकड़ी उसके आगे का जीवन वैसा हो जाता है। तो मुझे दिल्ली में ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग के बाद मैंने सोचा मुंबई की ट्रेन पकड़ लेता हूँ, तो मुंबई की ट्रेन पकड़ ली, वरना मैं थिएटर कर रहा होता पटना में, गाँव में कहीं। गांव में जी जी गांव में हमारे छठ के समय पे नाटक हुआ करते हैं, उसमें करता था मैं। एक ऐसा रोल था लेडीज का, महिला का रोल, जो उस दिन जी 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 उसके बारे में क्या है? वो हमारे यहाँ जो एक्ट्रेस बनते थे, जो लड़का था, उस साल नहीं लौटा था गांव छुट्टियों में कलकत्ते से, तो नाटक नहीं होगा। मैं बोला नहीं नहीं नाटक करो, लड़की की बात है ना, मैं बन जाऊँगा, नाटक मत रोको। तो मैं बना था उस साल लड़की, आई थिंक 93 या 94 की बात होगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करें, सारे लोग कभी कभी मिलते हैं, तो कैसा लगता है आपको कि वो टीम आज? अच्छा लगता है। हम लोग अब भी, मैं, कश्यप जी, नवाजदा मिले थे कहीं पे, तो अचानक हुआ कि अरे ये तो रियूनियन हो गई हमारी वासेपुर की, तो बहुत सब प्यारे हैं, सब दोस्त हैं एक दूसरे के और मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और वासेपुर कल्ट सिनेमा बन गया, आज हर यूथ के लैपटॉप में वो फिल्म है और लोग रिपीट देखते हैं उसको 6 महीना 8 महीना पे। तो कभी सोचा भी नहीं था गैंग्स ऑफ वासेपुर इतने कम बजट की फिल्म, एक लोग हंस रहे थे कि क्या फिल्म है ये, बिल्कुल ऐसे गांव देहात जैसी फिल्म की, ये कितना बड़ा बिजनेस कर पाएगी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहानी तभी बनती है ना कि जिससे उम्मीद ना हो वो कुछ कर जाए, तो कहानी बनती है। अगर मैं मुंबई में किसी फिल्मी परिवार में पैदा होता तो मेरी कहानी नहीं बनती, तो मुझसे उम्मीद नहीं थी कि ये अभिनेता बनेगा आदमी और बन गया तो कहानी बन जाती है। तो ऐसे ही गैंग्स ऑफ वासेपुर नाउम्मीदी का चराग था, तो और उसने वर्क किया और उसने एक नए टैलेंट ला दिए, एक नया किस्म का सिनेमा क्रिएट हो गया, इसलिए कहानी बन गई, वो मिसाल है। कुछ नहीं है, मेरा मानना है कि वक्त लगता है, जैसे एक बच्चा पैदा होने से लेकर खड़ा होने में उसको 2 साल 1.5 साल लगते हैं और बोलने में 2.5 साल लगते हैं, तो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, स्ट्रगल में नहीं कहता हूँ इसको, लर्निंग है। आप सीखते हैं, आप असफल होते हैं, आप अपनी असफलताओं से वापस पाठ लेते हैं और सफल होते हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी ऐसी ही है। पंकज जी की दिनचर्या, लाइफस्टाइल क्या है? कुछ नहीं है, ट्राई करता हूँ समय से खा लूँ, समय से सो लूँ और समय से पहुँच जाऊँ। जैसे अभी मुझे समय हो रहा है मेरा कहीं और पहुँचने का, तो मैं चाहता हूँ कि समय से सब कुछ हो जाए और धीरज रहे, आराम से भागा भागी। सवाल सर, रनिंग प्रोजेक्ट क्या कहें आपके अभी? लुका छिपी आएगी 1 मार्च को, और उसके बाद एक क्रिमिनल जस्टिस है, शकीला है, ड्राइव है, ये सब सुपर 30 है, ये सब फिल्म है। दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, नमस्ते, मैं पंकज हूँ और प्यार बनाए रहें, मैं ट्राई करूँगा आपको कभी निराश न करूँ, अच्छी परफॉर्मेंस देते रहूँ, थैंक यू।